हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम अमाइंस है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13.1 है, राइट आईयूपीसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस। तो ये हमारे कंपाउंड है, इनके हमें आईयूपीसी नेम देने हैं और हमें बताना है कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्शियरी होगा। तो देखो सर, अगर हमारा प्राइमरी अमाइन है तो उसमें NH2 ग्रुप होगा, तो ये हमारा 1D अमाइन हो गया। अगर हमारा सेकेंडरी अमाइन है तो उसमें NH ग्रुप होगा, तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन हो गया 2D अमाइन। और अगर टर्शियरी अमाइन है तो उसमें N होगा और यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप जो है जुड़े होंगे, 3 कार्बन से ये सराउंडेड होगा, तो ये हमारा टर्शियरी अमाइन होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। तो CH3 2 है CH और NH2। तो देखो जरा, ये तो हमारा NH2 हो गया, ये CH है और इससे दो CH3 जो है वो कनेक्ट कर दो। एक हमने ये कनेक्ट कर दिया, दूसरा हमने ये कनेक्ट कर दिया, राइट। अब हमें IUPAC नेमिंग करनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। तो कार्बन चेन तो लॉन्गेस्ट हमको यही नजर आ रही है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से NH2 ग्रुप पास में हो। तो इधर से करोगे तो 1N2 पे पड़ रहा है, इधर से करोगे तो 1N2 पे पड़ रहा है, तो कहीं से भी कर सकते हो। तो यहां से कर देते हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो वर्ड रूट लिखेंगे। तो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो आएगा प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, तो आएगा एन। और सेकेंड नंबर पे की अमाइन जुड़ा है तो लिखा जाएगा 2-amine। अब चूंकि अमाइन जो है एक वॉवेल ए से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण ये वाला ई जो है, एन का ई जो है वो इरेज हो जाएगा, तो प्रोपेन 2-amine हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सेकंड देखते हैं, CH3CH2 होल 2 NH। तो देखो जरा, ये हमारा CH3 है, ये CH2 दो बार लिखना है, ठीक है। होल 2 का मतलब CH2 दो बार लिखना है और फिर NH2 है, राइट। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो हमारी यही है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से NH2 ग्रुप पास में पड़े, तो यहीं से पास में पड़ रहा है, तो इस कार्बन को तो हम देंगे नंबर 1, ये 2 और ये हमारा 3, राइट। तो 3 कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो लिखा जाएगा एन। और 1 नंबर पे अमाइन है तो 1-amine, 1 लिखो या ना लिखो कोई जरूरी नहीं है। अब चूंकि अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण एन का ई जो है वो इरेज हो जाएगा, राइट। अब देखो जरा, ये NH2 ग्रुप जो है वो एक कार्बन सराउंडेड है, मतलब नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती हैं, एक तो ये कार्बन सराउंडेड है और 2 हाइड्रोजन से सराउंडेड है। तो चूंकि एक कार्बन सराउंडेड है, इस कारण ये हमारा 1D अमाइन, जिसको कि हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। अब यहां पे भी देखो, ये नाइट्रोजन है, एक कार्बन से सराउंडेड है, 2 हाइड्रोजन सराउंडेड है, मतलब कि ये भी हमारा 1D अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। इसके बाद हम थर्ड नंबर देखते हैं, ये हमारा CH3 है, फिर ये NH है, फिर CH है और इससे 2 CH3 कनेक्ट है, तो एक CH3 ये कनेक्ट कर दो, एक CH3 ये कनेक्ट कर दो, राइट। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमको यही नजर आ रही है, ठीक। नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग चाहे आप यहां से कर दो, चाहे यहां से कर दो, क्योंकि सेकंड नंबर पे NH आपको ग्रुप मिलेगा, तो यहां से कर लेते हैं 1, 2 एंड 3। ये हमारा CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो लिखा जाएगा N-methyl, ठीक है। 3 कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, तो लिखा जाएगा N। और सेकंड नंबर पे NH कनेक्ट है तो लिखा जाएगा 2-amine, क्योंकि अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण एन का ई जो है वो हम इरेज कर देंगे, तो N-methyl propane 2-amine हो जाएगा। अब देखो जरा, ये नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाने हैं, एक हाइड्रोजन से बनाया और 2 ये कार्बन से बना रहा है, मतलब ये हमारा सेकेंडरी अमाइन होगा। ये हमारा कैसा है, ये सेकेंडरी अमाइन है, मतलब 2-degree amine है। फिर फोर्थ नंबर देख लेते हैं, CH3 होल 3 CNH2। तो सी है और ये NH2 है और इससे 3 CH3 जो है वो कनेक्ट कर दो, तो ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया और ये कनेक्ट कर दिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको ये नजर आ रही है, ठीक है। नंबरिंग कर दो भाई, तो नंबरिंग हम यहां से कर देते हैं 1, 2 एंड 3।
तो सेकेंड नंबर पे अमाइन कनेक्ट है, सेकेंड नंबर पे ही मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है, राइट। तो लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो लिखेंगे 2-methyl, 3 कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो लिखा जाएगा एन, ठीक है, और लिखा जाएगा 2-amine, क्योंकि अमाइन ए से स्टार्ट होता है, इस कारण ए एन का ई जो है वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है वो प्राइमरी जो है वो अमाइन होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड देखो, 2 तो हाइड्रोजन से बने हैं और 1 कार्बन से बना है, इस कारण ये हमारा प्राइमरी अमाइन है। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर है C6H5NHCH3, तो ये ऐसा होगा C6H5, तो ये तो हमने ऐसा बेंजीन की रिंग बना ली, ठीक है। फिर ये NH है और इससे ये CH3 जो है वो कनेक्ट कर दें, तो ये तो हमारा मिथाइल हो गया और ये बेंजीन अमाइन हो गया, ठीक है। तो लिखा जाएगा N मिथाइल और ये बेंजीन अमाइन, ठीक है, और ये हमारा 2-degree अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं तो 2 तो ये कार्बन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से है, तो ये 2-degree अमाइन होगा। अब इसके बाद 6 नंबर देखते हैं, ये है CH3CH2 whole 2 N और ये CH3, तो देखो N इससे CH3 ये कनेक्ट कर दिया और इससे CH2CH3 इससे CH2CH3 ये कनेक्ट कर दिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपको ये नजर आती है, ठीक है, ये भी हो सकती थी, कोई एक ले लो, तो हमने ये वाली ली, तो ये 1 and ये 2, 1 नंबर इसको क्यों दिया, क्योंकि नाइट्रोजन इसके नीडेस्ट है, ठीक। तो ये हमारा सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो N मिथाइल है और N इथाइल है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा, इथाइल का E पहले आ रहा है, मिथाइल का M बाद में आ रहा है, तो लिखा जाएगा N इथाइल, N मिथाइल, 2 कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, राइट, और 1-amine, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अमाइन ए से स्टार्ट होगा, इस कारण एन का ई इरेज कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद 7th नंबर है, तो ये हमारा MBr C6H4NH2, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे C6H4, तो हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इससे 2 ये जुड़े हुए हैं, तो NH2 हमने ये जोड़ा, तो ये M मतलब मेटा पोजिशन पे जुड़ा होगा, तो इसकी मेटा पोजिशन मतलब ये होगी या ये होगी, तो हमने यहाँ पे Br कनेक्ट, राइट। तो अब देखो जरा नंबरिंग दे गए, तो ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो 1 नंबर यहीं से आएगा, फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो लिखा जाएगा 3-bromo, ठीक है, बेंजीन अमाइन। अब चूंकि यहां पे NH2 ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच है, मतलब कि ये हमारा कैसा होगा, प्राइमरी होगा अमाइन, तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, 1-degree अमाइन है। और ये वाला देखो, ये देखो, ये नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड हैं, इस कारण ये 3-degree अमाइन होगा, मतलब टर्शियरी अमाइन होगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, तो ये कंपाउंड के पेयर हैं और हमें इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो पहला है मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन, तो इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो देखो जरा, मिथाइल अमाइन का फॉर्मूला होगा CH3NH2, ये तो हमारा हो गया मिथाइल अमाइन, और डाइमिथाइल अमाइन का मतलब है कि NH और इससे 2 CH3 ग्रुप जो है वो अटैच कर दो, तो ये हो गया हमारा डाइमिथाइल अमाइन। तो आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो देखो जरा, जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है, तो ये तो हमारा प्राइमरी अमाइन है और ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन जो है उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है वो केवल और केवल प्राइमरी अमाइन देता है, और दूसरा जो है वो है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, वो केवल और केवल सेकेंडरी अमाइन देता है, राइट। तो
कार्बन अमाइन टेस्ट जो है केवल और केवल प्राइमरी अमाइन देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, और सेकेंडरी अमाइन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो वो केवल लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन देता है, ठीक है, और कोई अमाइन लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं देता, केवल और केवल सेकेंडरी अमाइन देता है। तो चलिए, तो कार्बन अमाइन टेस्ट से हम दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन अमाइन टेस्ट जो है वो क्या होता है, तो प्राइमरी अमाइन जो है, ठीक है, इसको हम क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला CHCl3 और KOH में क्या करते हैं, हीट करते हैं, राइट। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, तो CH3NC ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनेगा, और क्या बनेगा, ये KOH ये तीन लेने हैं, तो तीन K से तीन Cl निकल जाएंगे, तो 3KCl बन जाएगा, दो हाइड्रोजन ये है एक हाइड्रोजन ये है, तो तीन OH से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, 3H2O बनाएगा, ठीक है। CH3N और इससे ये C जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो हो जाएगा बन जाएगा, और ये कैसा होता है, ये फाउल स्मेल देता है, राइट। तो इसकी स्मेल जो है वो बड़ी गंदी होती है, फाउल स्मेलिंग होता है, इस कारण इसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो मिथाइल अमाइन और डाइमिथाइल अमाइन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कार्बल अमाइन टेस्ट से। ये कार्बल अमाइन रिएक्शन कहलाती है, तो ये हमारा कार्बल अमाइन टेस्ट हो गया, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है कि ये हमारा आइसोसाइनेट बनता है, और ये आइसोसाइनेट कैसा होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, ठीक है। इस स्मेल के थ्रू हम जो है वो प्राइमरी अमाइन को पहचान सकते हैं। अब प्राइमरी अमाइन आपका ये हो गया, ठीक है, आपका एनिलीन, ये भी कार्बन अमाइन टेस्ट देगा। तो जहां भी NH2 ग्रुप हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, वो क्या होगा, वो कार्बन अमाइन टेस्ट देगा। जहां भी NH2 ग्रुप लगा हो वो कार्बन अमाइन टेस्ट देगा, राइट। चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइमरी अमाइन जो है वो आपका कार्बन अमाइन टेस्ट देगा। फिर इसके बाद हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो जरा, जो हमारा सेकेंडरी अमाइन है वो कैसा होगा, उसमें NH ग्रुप होगा, तो दो एल्काइल या दो एराइल ग्रुप आप इसमें ऐड कर दो, तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये 2° अमाइन है। और टर्शियरी अमाइन का मतलब है कि उसमें N होगा और तीन एल्काइल ग्रुप या तीन एराइल ग्रुप इसमें ऐड कर दो, तो ये हमारा 3° अमाइन है, राइट। तो ये तो हमारा 2° अमाइन हो गया, इसमें NH ग्रुप होता है, 3° अमाइन ये है, इसमें N होता है, और प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये NH2 ग्रुप जो है वो प्राइमरी अमाइन में होता है, राइट। तो देखो सर, अब हमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन में डिस्टिंग्विश करना है। तो सेकेंडरी अमाइन जो है वो लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन देता है, और कोई अमाइन लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं देता। अब ये लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन होती क्या है, तो देखो जरा, ये R2NH, इसकी रिएक्शन जो है हमें करानी है HNO2 से करानी है, तो HNO2 को आप OHNO लिख सकते हो। अब HNO2 बनता कैसे है, तो ये बनता है रिएक्शन से, मतलब NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl की रिएक्शन से बनता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन से बनेगा HNO2 और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो HNO2 हमें यहां से मिलेगा, तो ये HNO2 हमें यूज करना है, राइट। तो क्या होगा, ये R2NNO बन जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, इस N से क्या जुड़ा है, ये नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लिखा जाएगा N नाइट्रोसो, ठीक है, N नाइट्रोसो हो गया, N से ये नाइट्रोसो जुड़ा है, तो N नाइट्रोसो डाइएल्काइल अमाइन, डाइएल्काइल अमाइन, N नाइट्रोसो डाइएल्काइल अमाइन। और ये जो हमारा है, ये हमारा येलो ऑयली लिक्विड होता है, तो ये हमारा येलो ऑयली सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब ये जो येलो ऑयली सॉल्यूशन बना, इस येलो ऑयली सॉल्यूशन को आपको क्या करना है,
हीट करना है फिनॉल में, फिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करना है, ठीक है। हीट करोगे फिनॉल क्रिस्टल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करोगे तो हमारा ग्रीन सॉल्यूशन बनता है। अब चूंकि ये एसिडिक हो जाएगा ये सॉल्यूशन, तो अब क्या करना है, इसको हम एल्कलाइन बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्यूशन एसिडिक का उसको हमें क्या करना है, एल्कलाइन करना है, तो एल्कलाइन बनाते हैं, मेक एल्केलाइन, ठीक है। तो इसके लिए हम डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, एक्वस NaOH यूज करते हैं, तो ये हमें बन जाता है ब्लू कलर देता है जब आप इसको एल्कलाइन करते हो तो ब्लू कलर करता है। और अगर आप इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे ब्लू कलर जो है वो चेंज होके क्या बन जाता है, रेड कलर बन जाता है, रेड कलर सॉल्यूशन। तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन है, तो ये हमारा लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन हो गया, जो कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो देता है। सेकेंडरी अमाइन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर हम आपका ये मिथाइल अमाइन और डाइमिथाइल अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन था, ये प्राइमरी अमाइन था, इसको भी हम लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते थे। तो डाइमिथाइल अमाइन हम ऐसे लिखते हैं CH3, ये NH और ये CH3, ये डाइमिथाइल अमाइन हो गया। इसकी रिएक्शन जो है वो HNO2 से करानी है, तो HNO2 को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और HNO2 बनता कैसे है, तो ये हमको बता है NaNO2 HCl से बना था, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा और ये CH3, ये N, ये CH3 और ये N, ये नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो इससे कनेक्ट हो गया, तो ये इसका नाम होगा N नाइट्रोसो डाइमिथाइल अमाइन, तो डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। ये कैसा होता है, येलो वाइली लिक्विड है, ठीक है, येलो वाइली लिक्विड है। और इसको हम क्या करते हैं, फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला ये होता है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट करते हैं, ठीक है। फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट करना है, तो क्या होता है, ये जो येलो कलर था ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में, ये ग्रीन कलर सॉल्यूशन हो जाएगा जब इसको, अब चूंकि ये एसिडिक हो गया था, अब इसको हम एल्कलाइन करते हैं, तो एक्वस NaOH डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। तो एल्कलाइन बनाएंगे तो ये हमारा ग्रीन कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और जब इसका हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब और पानी डाल देते हैं, तो ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन बोलते हैं, जो कि सेकेंडरी अमाइन जो है वो देता है। तो अब हमारा थर्ड डिस्टिंक्शन है, हमें इथाइल अमाइन एंड एनिलीन में डिस्टिंग करना है। तो इथाइल अमाइन होता है C2H5NH2, ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है, और एनिलीन ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि दोनों में NH2 ग्रुप है। तो इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग करेंगे, तो इन दोनों को हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो डिस्टिंग करेंगे। तो होता क्या है कि जो हमारा एनिलीन है वो रिएक्ट करता है किससे, वो रिएक्ट करता है NaNO2 और HCl के मिक्सचर से, तो ये बनता हमारा HNO2 बनेगा और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो रिएक्शन से हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, N2Cl जो है वो बनता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो बना है वो कैसा होता है, रेजोनेंस के थ्रू जो है वो स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेबल कंपाउंड है। अब ये स्टेबल कंपाउंड है तो अब क्या करता है, ये कपलिंग रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है,
ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। जब इसको हम फिनॉल में हीट करते हैं तो फिनॉल जो है ये हमारा कैसा होगा, पहला डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से सी एल निकलेगा, तो ये कपल जो है वो बन जाएगा, ये एन यहां पर डबल बॉन्ड एन और ये फिनॉल जो है वो आप ऐसे जोड़ दो। ये जो हमारा पार्ट बनता है इतने पार्ट को हम बोलते हैं एजोबेंजीन, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये एजोबेंजीन कहलाता है। अब पैरा पोजिशन पे OH जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये हमारी ऑरेंज डाई है, राइट, ये हमारी ऑरेंज कलर की डाई है। फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसकी रिएक्शन जो है वो एनिलीन से करा लेते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन यहां से सीएल निकलेगा, तो ये होगा यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड क्यों आया, सीएल निकला, तो ये जो क्वाड्रेट बॉन्ड बना था वो यहां पे आ जाएगा, तो पॉजिटिवेशन खत्म हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और ये NH2, तो ये होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी येलो डाई है, राइट, ये हमारी येलो कलर की डाई है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तीसरा देख लेते हैं, ये हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन जो है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन से कराना है, इससे कराना है, तो क्या होगा, पहले पोजीशन से एच निकलेगा और ये सी एल, तो एच सी एल बन जाएगा, ठीक है, और बाकी पार्ट इस पर कनेक्ट हो जाएगा, तो ये एन डबल बॉन्ड एन और ये एन और यहां पे सी एस टी कनेक्ट कर दो, यहां पे कर दो, तो इसका नाम होगा एन कॉमा एन। अब चूंकि ये पैरा पोजिशन पे, तो पैरा एन कॉमा एन डाई मिथाइल, ठीक है, एन कॉमा एन डाई मिथाइल अमीनो, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, और ये एजोबेंजीन है, और ये हमारा कैसा होता है, इसको हम मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं, और ये मिथाइल ऑरेंज आपको पता है कि ये एसिड और बेस को क्या करता है, टेस्ट करता है, तो एसिड और बेस की टेस्टिंग में हम इस मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है एनिलीन एंड बेंजाइलामाइन, तो देखो जरा एनिलीन हमारा क्या कहलाता है, तो बेंजीन की रिंग पे NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो ये हमारा एनिलीन कहलाता है, और बेंजाइलामाइन क्या कहलाता है, तो बेंजीन हो और सी एच टू लगाओ तो ये हमारा बेंजाइल कहलाता है, और बेंजाइल अमाइन मतलब कि एन एच टू जोड़ दो तो ये बेंजाइल अमाइन कहलाता है। तो बेंजाइल क्या कहलाता है कि बेंजीन पे सी एच टू जोड़ा हो तो ये बेंजाइल कहलाता है, और एन एच टू जोड़ा है तो बेंजाइल अमाइन हो गया, ठीक है, तो ये हमारा बेंजाइल अमाइन हो गया। अब दोनों को हम कैसे डिस्टिंग करेंगे, तो देखो जरा दोनों ही हमारे कैसे हैं, प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि NH2 ग्रुप मतलब प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्बन अमाइन टेस्ट से तो ये डिस्टिंग होंगे नहीं, तो अब ये दोनों हमारे प्राइमरी अमाइन हैं, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो अब इनको कैसे हम डिस्टिंग करेंगे, तो देखो जरा ये जो हमारा बेंजाइल अमाइन है और एनिलीन है, तो इसकी रिएक्शन हम HCl और HNO2 से कराते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है,
ये हमारा बेंजीन का एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। जो कि कैसा होता है, स्टेबल है, ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम बेंजाइल अमाइन HCl HNO2 की रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये भी हमारा डायजोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन ये कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है। जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, हीट करोगे तो क्या होता है, ये बेंजाइल एल्कोहल जो है वो बना लेता है। तो ये तो हमारा बेंजाइल हो गया, और OH जोड़ दिया तो ये बेंजाइल एल्कोहल हो गया। तो ये बेंजाइल एल्कोहल बनाता है, ठीक है। क्या होगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी, तो N2 गैस जो है वो निकल जाती है, और क्या होगा, HCl। तो जहां पे ये अनस्टेबल होता है, इस कारण ये नाइट्रोजन गैस देता है, जहां पे ये स्टेबल होता है आप हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एनिलीन तो हमारा नाइट्रोजन गैस नहीं देता है, लेकिन ये हमारा नाइट्रोजन गैस दे देगा। फिर इसके बाद है एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। तो देखो जरा, एनिलीन तो आपको पता है क्या होता है, बेंजीन पे NH2 लगा तो एनिलीन हो गया। एन मिथाइल एनिलीन क्या होगा, तो देखो जरा, ये तो एनिलीन हो गया। अब एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक CH3 लगा दोगे, तो ये हो गया हमारा एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है। अब दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो देखो जरा, ये तो हमारा 1° अमाइन है और ये हमारा 2° अमाइन है। तो 1° अमाइन और 2° अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, एक तो हम कार्बन अमाइन टेस्ट से कर सकते हैं और दूसरा लीवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन से कर सकते हैं। तो ये तो हमारा कार्बन अमाइन टेस्ट देगा, लेकिन ये कार्बन अमाइन टेस्ट नहीं देगा, ये हमारा लीवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन देगा, लेकिन ये हमारा लीवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन नहीं देगा, क्लियर है। तो ये तो हमारा कार्बन अमाइन टेस्ट देता है, तो कार्बन अमाइन टेस्ट देता है तो फिर से देख लेते हैं, बता तो हम चुके हैं क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH, ये 3:1 में लेना है, हीट करना है। तो ये एन, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड हो गया। ये फाउल स्मेलिंग होती है, इसकी स्मेल फाउल स्मेल होती है, और ये बनेगा KCl3 और H2, राइट। तो बस ये हमारी कार्बन अमाइन टेस्ट हो गया, ठीक है। इसकी स्मेल जो है वही इसकी आइडेंटिटी होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13.3 है, अकाउंट फॉर दी फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन नंबर 13.3 में 6 क्वेश्चन है, तो उसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है, पीकेबी फॉर एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन। तो देखो जरा, हमारा एनिलीन क्या कहलाता है, बेंजीन की रिंग है और NH2 ग्रुप लगा है, ये हमारा एनिलीन है। और मिथाइल अमाइन क्या कहलाता है, ये CH3 और NH2, ये हमारा मिथाइल अमाइन हो गया। दोनों ही हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर होती है। तो ये भी हमारा लुईस बेस है और ये भी हमारा लुईस बेस है, फिर हमें रीजन बताना है कि पीकेबी जो है एनिलीन के लिए ज्यादा होती है, मतलब ये पीकेबी वैल्यू इसके लिए तो ज्यादा है और इसके लिए कम है, ऐसा क्यों। तो अब भाई ये पीकेबी वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है, तो देखो जरा, कोई भी बेस होता है, जो हमारा वीक बेस होता है, ठीक है, तो वो आयनाइज होता है, जैसे हमने लिख दिया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनाइज होके NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट KB जो है वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है बेसिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो अब हमारा पीकेबी क्या कराता है, तो पीकेबी जो है वो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी। तो अगर बेस जो है उसकी बेसिसिटी ज्यादा है तो उसके लिए केबी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और पीकेबी की वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है कि पीकेबी की वैल्यू एनिलीन के लिए ज्यादा है, मतलब एनिलीन जो है वो लेस बेसिक है किससे, मिथाइल अमाइन से। तो अगर हम बेसिक करेक्टर की बात करें तो इसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है, इसका बेसिक करेक्टर कम है। तो अगर केबी ज्यादा है तो बेसिक करेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, और अगर पीकेबी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है तो बेस जो है, बेसिक करेक्टर जो है वो कम होता है, राइट। ये नोट कर लेना। अब हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो जरा, अब इसमें बेसिक करेक्टर किस कारण है, ये लोन पेयर के डोनेशन के कारण, यहां भी लोन पेयर के डोनेशन के कारण इसका बेसिक करेक्टर है। तो यहां पे बेसिक करेक्टर कम क्यों है, तो देखो जरा, ये हमारा बेंजीन है और ये NH2, इसके ये लोन पेयर है, तो इसके लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये लोन पेयर यहां गिरेगी तो ये डबल बॉन्ड यहां गिर जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा NH2, ठीक है, और यहां पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, लोन पेयर गिर गई, ठीक है, और ये बॉन्ड आप ऐसे लगा लो, तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये यहां गिरेगा तो ये डबल बॉन्ड इस पे गिर जाएगा, तो ये हमारा ऐसा बनेगा, यहां पे ये नेगेटिव और यहां पे ये लोन पेयर ने बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड पहले था और ये डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये यहां बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे गिर जाएगा, तो तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव है। फिर क्या होगा, ये यहां गिरेगा तो ये डबल बॉन्ड इस पे गिर जाएगा, ठीक, तो ये है ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इसका खत्म हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये NH2, इसको इलेक्ट्रॉन फिर से मिल गया, तो इसका पॉजिटिव साइन खत्म हो गया। तो बस चूंकि यहाँ पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इस कारण लेस अवेलेबल होते हैं, तो डोनेशन के लिए यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या है, वीक है, इस कारण ये हमारा कैसा है, वीक बेस है एज कम्पेयर टू मिथाइलामाइन के। अब चूंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं होता इस कारण इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है, इस कारण ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू एनिलीन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इथाइलामाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। तो देखो जरा, इथाइलामाइन क्या होता है, तो CH3CH2NH2, ये हमारा इथाइलामाइन होता है और एनिलीन होता है कि बेंजीन की रिंग है और उस पे NH2 ग्रुप लगा है, ये एनिलीन है। तो क्वेश्चन कहता है कि ये तो वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखो जरा, क्योंकि ये NH2 ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है हमारा ऑर्गेनिक है ये वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ये वाला पार्ट हमारा वाटर में सॉल्युबल होगा। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये CH3, ये CH2, ये N और ये H लगा दिया और ये H लगा दिया। अब वाटर देखो कैसे बनाता है, ये वाटर का OHH हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर का OHH हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर का H
एच हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप छोटा है इस कारण इसकी सॉल्युबिलिटी है। अब चूंकि यहां पे ये एल्काइल ग्रुप बड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां भी बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, जो हमारा कार्बन वाला ग्रुप है वो कैसा है, वो बल्की ग्रुप है, इस कारण हमारा एनिलीन जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है। अगर अगर ये ग्रुप हम बल्की कर दें, मतलब 7-8 कार्बन का कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल जो हमारे एलिफेटिक अमाइन होते हैं, स्मॉल साइज एलिफेटिक अमाइन जो है वो वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ये चेन बड़ी कर दोगे, मतलब 7-8 कार्बन की कर दोगे, 9-10 कार्बन की कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनसॉल्युबल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मिथाइल अमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो देखो जरा, जो हमारा मिथाइल अमाइन है, तो मिथाइल अमाइन होता है CH3NH2, ये हमारा मिथाइल अमाइन है, ये वाटर है। अब चूंकि ये हमारा कैसा है, ये लुईस बेस है, तो ये क्या करेगा, वाटर के एच पॉजिटिव से क्या करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है। तो ये बना देगा CH3NH3, ये पॉजिटिव बन जाएगा और OH नेगेटिव बन जाएगा, मतलब यहां पे वाटर जो है वो आयनाइज हो जाएगा, राइट। अब ये जो OH है वो क्या करेगा, जो हमारा फेरिक क्लोराइड है OH नेगेटिव रिएक्ट करता है, ठीक है, ये दो ले लो, तो FeOH होल थ्राइस बनेगा और 6Cl नेगेटिव, राइट। अब ये जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH होल थ्राइस, ये हमारा ब्राउन प्रेसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो Fe2O3.3H2O, तो ये हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा एनिलीन है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, ये हमारा एनिलीन कहलाता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो। तो देखो जरा, इस पे अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं तो क्या होगा, ये हमारा ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन का मिक्सचर जो है वो बनेगा। हाँ, अगर ये ब्रोमीन हमारा एक्सिस में हो जाए, ये NH2 है, और अगर ये हमारा एक्सिस में हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये भी आर, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो है वो बन जाता है, ठीक है, और HBr भी बनेगा, क्योंकि तो यहां से हाइड्रोजन जाएंगे, ठीक है, तो HBr भी बनेगा। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो देखो सर, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और लोन पेयर है इसी कारण ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये लोन पेयर जो है वो यहाँ गिरेगी तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे गिर जाएगा, ठीक है ना, तो ये ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड बना लो, ये NH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो ऑर्थो पोजिशन पे लोन पेयर है, इस कारण ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ये, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे गिर जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजिशन पे आ गई अब, ये नेगेटिव NH2, ये पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये लोन पेयर यहां गिरेगी तो डबल बॉन्ड यहां पर गिर जाएगा, तो ऑर्थो पोजिशन पे फिर से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई नेगेटिव, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहां भी डबल बॉन्ड पड़ते हैं ना, और ये बढ़ गया। तो इस कारण ये NH2 ग्रुप जो है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। अब ये बताना है कि नाइट्रेशन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो रहा है। तो देखो जरा, ये हमारा NH2 है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, इस कारण क्या हो रहा है, ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अगर लोन पेयर नहीं होती तो मेटा डायरेक्टिंग होना था, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो HNO3 से रिएक्शन करानी होगी, और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता, ठीक है। तो एसिड का H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्योंकि ये हमारा एसिड और ये बेस है तो रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, तो ये NH3 पॉजिटिव, ये हमारा एनिलीनियम आयन जो है वो बन जाता है। अब चूंकि लोन पेयर खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ने तो हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये बॉन्ड ऐसा बनेगा, ये हमारा NH2 है और ये H पॉजिटिव एसिड का है, बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया NH3 पॉजिटिव, ठीक है, NH3 पॉजिटिव बन गया। अब लोन पेयर एबसेंट हो गई, लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो इसीलिए नाइट्रेशन जो है क्या होता है, मेटा पोजीशन पे हो रहा है, तो ये मेटा पोजीशन पे NO2 जो है वो लगेगा और क्या बन जाएगा, तो बेंजीन रिंग यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और HNO3 को हम ऐसा लिख सकते हैं OH NO2, तो H निकलेगा तो H2 बनेगा और NO2 उस जगह पे लग जाएगा। भाई NO2 लगा मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा तभी तो NO2 लगेगा, बस, तो H2 बन गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। तो एनिलीन जो है वो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ऐसा क्यों, तो देखो जरा, हमारी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन जो है वो होती क्या है, तो ये हमारी बेंजीन की रिंग है और इस पे हमें एल्काइलेशन कराना है, तो CHCl3 और रिएक्शन जो है AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी, से हमारा टोलुइन बन जाता है और HCl निकल जाता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो देखो जरा, जो हमारा CH3Cl है AlCl3 से रिएक्ट करता है तो AlCl4 नेगेटिव बनेगा और CH3 पॉजिटिव बनेगा। अब ये जो हमारा बेंजीन है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां गिरे तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये CH3 पॉजिटिव जो है इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा तो बॉन्ड बनेगा, तो ये CH3 से अटैच हो जाएगा। अभी यहाँ पे दो बॉन्ड हैं और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे नेगेटिव, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा, बेंजीन है तो हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, तो ऐसा बॉन्ड जो है यहाँ पे बन जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, तो ये ऐसा हो जाएगा, CH3 अटैच कर दो ऐसा, तो ये टॉलोइन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन हो गई, लेकिन
एनिलीन ऐसा क्यों नहीं देता? आप देखो जरा, जो हमारा एनिलीन है ये NH2 है, इस पे लोन पेयर है, और ये CH3Cl है, और AlCl3 के प्रेजेंस में होनी ही रिएक्शन, तो CH3Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या होता है, ये हमारा लुईस बेस है और ये हमारा लुईस एसिड है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये हमारा ऐसा बनेगा, ये NH2 और लोन पेयर के थ्रू AlCl3 से कंबाइन हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर फर्दर रिएक्शन हो नहीं पाएगी, इस कारण एनिलीन जो है वो हमारा फील्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डाइएथोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफैटिक अमाइन। तो देखो जरा, जो हमारा डाइएथोनियम सॉल्ट है तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हमारा बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड है, जो कि हम डाइएथोनियम सॉल्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा ये N ट्रिपल बॉन्ड N ये पॉजिटिव, ये आयन बना, ठीक है, और Cl नेगेटिव, तो ये हमारा डाइएथोनियम आयन है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, रीजन आपको बताना है। तो देखो जरा, रीजन ये है कि ये हमारा रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होता है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो होता ये है कि यहां पे लोन पर पहले से है, ये बॉन्ड इधर गिरेगा, ठीक है, तो ये इधर गिरेगा, तो ये ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, एंड ये पॉजिटिव है ये, और ये डबल बॉन्ड एंड एक लोन पर आ गए नेगेटिव चार्ज, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जो है इधर पे गिर गया, तो अब क्या होगा, ये इधर गिरेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट कर देते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहां गिरेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां से हो जाएगा, राइट, कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये यहां गिरेगा तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन फिर आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये N, अब इस पे दो पॉजिटिव चार्ज आ गए, ये नेगेटिव, तो क्या होगा, ये फिर से ऐसा गिर जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, एंड ये पॉजिटिव है, ये खत्म हो जाएगा, जाएगा पॉजिटिव, और बस ये आ जाएगा, ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर डबल होना था, तो ये जो है हमारा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13.3 का सेवंथ नंबर है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन के सिंथेसिस में हम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का यूज करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन जो है वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के थ्रू नहीं बनाई जाती, ऐसा क्यों, ये हमें रीजन देना है। तो देखो सर, जो हमारा थैलेमाइड है तो ये बेंजीन की लिंग है और CO CONH, ये हमारा थैलेमाइड है, तो ये हमारा थैलेमाइड हो गया,
इसकी रिएक्शन जो है हम एल्कोहलिक QH से कराते हैं। QH कैसा है, ये एल्कोहलिक QH है। तो क्या होता है, ये K इधर जुड़ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो H2O जो है वो निकल जाता है और सॉल्ट जो है वो बन जाता है। तो ये CO, ये CO और ये NK, ये पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। तो पोटेशियम थैलेमाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन जो है वो C2H5I से करा देते हैं, इथाइल आयोडाइड से करा देते हैं। तो क्या होगा, KI जो है वो निकल जाएगा और ये CO, ये CO और ये NC2H5, तो ये N इथाइल थैलेमाइड बन जाएगा। तो N इथाइल थैलेमाइड, ठीक है। तो N इथाइल थैलेमाइड जो है वो बन गया। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। तो या तो किसी एसिड में या किसी बेस में। तो क्या होगा, वाटर का एच यहां लगेगा, ओएच यहां लगेगा, फिर एच यहां लगेगा, ओएच यहां लगेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये सी ओ ओ एच हो जाएगा और ये सी ओ ओ एच हो जाएगा और सी टू एच फाइव और इधर पे एन पे तो एच टू आ जाएंगे, है ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एच यहां ओ एच यहां, ये बॉन्ड तोड़ो तो एच यहां ओ एच यहां। तो ये तो हमारा क्या बन गया, तो ये तो हमारा थैलिक एसिड बन गया। तो ये थैलिक एसिड बन गया और ये हमारा इथाइलामाइन बन गया। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बनाते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बना सकते, ठीक है। और सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13.4 है, अरेंज द फॉलोइंग। तो इसमें 6 क्वेश्चन हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो देखो जरा, अब ये जो हमारा केबी होता है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है, और केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, बेसिक करेक्टर जो है उतना ज्यादा होता है। अब चूंकि पीकेबी जो है वो क्या होता है, माइनस लॉग केबी। तो केबी अगर ज्यादा है तो पीकेबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब है कि अगर हम केबी की बात करें तो केबी की वैल्यू ज्यादा तो बेसिक करेक्टर जो है वो ज्यादा, और अगर पीकेबी की वैल्यू कम है तो बेसिक करेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, तो पीकेबी वैल्यू की हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो देखो जरा, अगर हम बात करते हैं C2H5NH2, C6H5NHCH3, C2H5O2NH और C6H5NH2, तो ये हम अमोनिया बना देते हैं, तीन हाइड्रोजन लगा देते हैं। अमोनिया की बेसिसिटी इस लोन पेयर के कारण होती है, लोन पेयर डोनेशन के कारण जो है ये बेस होता है। अगर हम एक हाइड्रोजन हटाएं और एक अल्काइल ग्रुप लगाएं, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। एक और अल्काइल ग्रुप लगाएं, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। एक और अल्काइल ग्रुप लगाएं, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। अगर हम एक एराइल ग्रुप लगा दें, मतलब C6H5 फिनाइल ग्रुप लगा दें, तो बेसिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। C6H5 मतलब ये ऐसी बेंजीन की लेव, ये आपने अटैच कर दी इस नाइट्रोजन से, क्या हो जाएगा, बेसिक करेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। तो बेसिक करेक्टर कम होगा तो इसका मतलब है कि पीकेबी वैल्यू जो है वो क्या होगी, पीकेबी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, राइट। बेसिक करेक्टर का मतलब पीकेबी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। तो बेसिक करेक्टर जो है इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर इसका होगा और फोर्थ नंबर इसका होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि NH2
से ये C6H5 जुड़ा है, मतलब ये क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को कम करता है। अब देखो ये 2 डिग्री अमाइन है, लेकिन C6H5 जुड़ा होने के कारण इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा है जो कि क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा फिर इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। तो हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो देना है। तो बना देते हैं, तो सबसे ज्यादा किसका, C2H5O2NH, फिर किसका, इसका C2H5NH2, फिर किसका, फिर इसका C6H5NHCH3, फिर किसका, फिर इसका C6H5NH2। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू, क्योंकि ये मोर बेसिक है, इसका मतलब है मोर बेसिक है, मतलब पी के बी वैल्यू जो है यहाँ पे सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, और पी के बी वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो हमें बनाना है, तो फिर ये उल्टा साइन चला जाएगा, तो ये ऐसा आएगा C6H5NH2 हमें सबसे पहले लिखना होगा, फिर हमें लिखना होगा C6H5NHCH3, फिर हमें लिखना होगा C2H5NH2, फिर हमें लिखना होगा C2H5O2NH। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। ठीक है, तो पीकेबी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13.4 का सेकंड है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हमको बेसिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो हमें अरेंज करना है। तो देखो जरा, जो हमारा अमाइन होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है, पहला तो है प्लस आई इफेक्ट पे, सेकंड डिपेंड करती है सॉल्वेशन पे। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सॉल्वेशन ज्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। और थर्ड है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। ये तीन चीजों पे जो है वो डिपेंड करती है। अगर हम प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे बात करें तो करेक्टर होगा 3 डिग्री अमाइन का ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है, इसके बाद अमोनिया होता है। अगर हम बात करते हैं सॉल्वेशन के बेसिस पे, तो सॉल्वेशन के बेसिस पे जो करेक्टर होगा हमारा तो वो NH3 ज्यादा, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और फिर होता है 3 डिग्री का। और स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ये बताता है, अगर बल्कि ग्रुप होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन कमजोर हो जाएगा, सॉल्वेशन कमजोर हो जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। राइट, तो जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करता, सॉल्वेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रोड्यूस नहीं करता। राइट, तो अगर हम मिथाइल अमाइन की बात करते हैं तो हमारा जो होता है करेक्टर जो होता है CH3O2NH, मतलब 2 डिग्री का ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री का होगा, फिर होता है 3 डिग्री का, CH3O3N, ऐसा होता है। और अगर हम इथाइल की बात करते हैं तो इथाइल की देखो C2H5O2NH 2 डिग्री, फिर होता है 3 डिग्री का C2H5O3 एंड, और फिर होता है 1 डिग्री का C2H5NH2। तो यहाँ पे 1 डिग्री ज्यादा है, यहाँ पे 3 डिग्री का ज्यादा है। रीजन क्या है कि यहाँ बल्कि ग्रुप है इसका, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस तो होगा नहीं, तो सॉल्वेशन यहाँ पे क्या होता है इफेक्टिव हो जाता है प्लस आई से। राइट, और फिनाइल का जो होता है, जो आपका एनिलीन होता है, इसका बेसिक करेक्टर जो है वो इन सभी से कम होता है। राइट, और जितने ज्यादा ये ग्रुप लगे हो, मान लीजिए 2 लगे हो तो फिर तो और ही कम हो जाएगा, मतलब एन एच और ये ग्रुप लगा दिया और ये ग्रुप लगा दिया,
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे हों बेसिक करेक्टर उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा चलता जाएगा। तो अब हमें इसमें बताना है ऑर्डर। तो देखो जरा, 2 डिग्री का तो सबसे ज्यादा है तो ये 2 डिग्री वाला है, है ना। तो C2H5O2NH, फिर ये CH3NH2 होगा 1 डिग्री का, क्यों, क्योंकि इसका रिकंडेंस यहाँ पे होगा नहीं, मतलब सॉल्वेशन इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये वाला हो जाएगा 3 डिग्री वाला, तो C6H5 ये तो कमजोर करता है N, और ये CH3O2 ये हमारा 3 डिग्री अमाइन है, राइट। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये हमारा N जो है इससे ऐसा CH3, ये CH3, ये तो बेसिक करेक्टर को पढ़ाएगा, लेकिन इससे जो ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ये बेसिक करेक्टर को क्या करता है, कम करता है। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, C6H5 मतलब ये वाला, राइट। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। फिर इसके बाद 13.4 का थर्ड नंबर है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ बताने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनिलीन पैरा नाइट्रो एनिलीन पैरा टोल्यूटीन, बी है C6H5NH2 C6NHCH3 और C6H5CH2NH2। तो देखो सर, अगर हम बात करते हैं एनिलीन की, तो फॉर्मूला तो ये है, ये बेंजीन की लिंक और NH2 लग रहा है। अगर हम बात करते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो एनिलीन तो ये है और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दूं। और अगर हम बात करते हैं ये पैरा टोल्यूटीन, तो NH2 ये है और CH3 लगा दूं। तो क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, इस कारण डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इसका बेसिक करेक्टर जो है वो वीक हो जाता है। यहाँ भी ऐसा है और यहाँ भी ऐसा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब CH3 में होता है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के कारण यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है, और NO2 जो है यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट जो है वो अप्लाई करता है। तो माइनस आर के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाती है, मतलब इससे भी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, राइट। तो लिख लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये NH2 और ये CO3, बताएंगे क्यों होता है ऐसा। फिर होगा एनिलीन का और फिर होगा इसका, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं C6H5NH2 C6H5NHCH3 और C6H5CH2NH2। तो दूसरा देख लो जरा, तो सबसे ज्यादा होगा इसका, क्योंकि ये C6H5 हो गया और ये CH2 और NH2। अब इसकी लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि रिंग जो है वो इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, डायरेक्ट जुड़ी होती तो रेजोनेंस हो जाता, डायरेक्ट नहीं जुड़ी तो नहीं होगा। फिर सेकेंड है ये एन एच और ये CH3, तो ये रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट करके बेसिक करेक्टर तो कम होगा, लेकिन CH3 के कारण थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और फिर C6H5NH2, राइट। तो ये हमारे बेसिक करेक्टर का नेचर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13.4 का फोर्थ नंबर है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। तो अगर हम बात करते हैं गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ की, तो गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट पे, क्यों, क्योंकि गैसियस फेज में सॉल्वेशन होना नहीं है, तो सॉल्वेशन इफेक्ट जो है यहां पे होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो होता है कहां पे, जब आप इसको
पानी में घोल दो तो एक्वस स्टेट में सॉल्यूशन होगा, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा, तो प्लस आई इफेक्ट जो है उसी पे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करनी है, और प्लस आई के कारण बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो 3 डिग्री की ज्यादा, फिर 2 डिग्री की ज्यादा, फिर 1 डिग्री की ज्यादा, और फिर होगी एनएसटी की ज्यादा। राइट, तो बस देख लो जरा, तो यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो देना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग में ये 3 डिग्री, तो ये C2H5 होल थ्राइस N, ठीक है, फिर 2 डिग्री C2H5 होल टू NH, फिर 1 डिग्री C2H5 NH2, फिर NH3, राइट। तो ये हमारा बेसिक स्टैंड का ऑर्डर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो C2H5OH CH3 होल टू NH C2H5NH2, तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है मोलर मास पे, मतलब मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, और सेकेंड जो है डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इन तीनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जहां स्ट्रांग होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग कहां होता है, देखो जरा, जब F और हाइड्रोजन के बीच बने तो स्ट्रांग होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बने, और फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बने, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हो गई, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फोर्स स्ट्रांग होगा। तो अब इनके हम मोलर मास देख लेते हैं, तो इनके मोलर मास की बात करते हैं C2H5OH, तो लिख लेते हैं C2H5OH, तो कार्बन का 12 × 2 = 24, और ये 5 और ये 6 30 और ये 46 हो जाएगा। इसकी बात करें CH3 O2 NH, तो 12 × 2 = 24 और ये 6 कितना हो जाएगा, 30 और 14 और 1 = 15, तो 45 हो जाएगा। इसकी बात करें C2H5NH2 की, तो 24 और 5 29 और ये 1 कर लो तो 30 और ये भी आपका 45 हो जाएगा। तो इनके मोलर मास तो ऑलमोस्ट कैसे हैं, सेम है। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, फिर ये तो नाइट्रोजन है, फिर देखना है कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसके बाद होगा, ठीक है। तो फिर हमारा जो है ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, तो C2H5OH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, फिर इसकी बात करेंगे C2H5NH2, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, फिर इसकी बात करेंगे CH3 O2 NH, राइट। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 नंबर है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो देखो जरा सॉल्युबिलिटी जो है वो किसी भी कंपाउंड की डिपेंड करती है किस पे, नंबर एक अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा बनेंगे, सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे, तो कार्बन नंबर जो है कार्बन नंबर पे डिपेंड करेगी, तो कार्बन नंबर अगर कम होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। तो बस सिंपल है, यहां पे देखो 2 कार्बन है, यहां पे कितने हैं, 4 कार्बन है, यहां पे कितने हैं, 6 कार्बन है। तो बस सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है आपको समझ में आ गया होगा, पहले तो होगा C2H5NH2, फिर ये होगा
टू डिग्री अमाइन में सी टू एच फाइव होल टू एन एच, और फिर इसके बाद ये होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर कैसे हैं चाहता है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा सॉल्युबिलिटी का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13.5 है, हाउ विल यू कन्वर्ट। पहला है इथेनोइक एसिड इनटू मीथेनामाइन। तो इथेनोइक एसिड को हम मीथेनामाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो जरा इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3C(OOH). ये इथेनोइक एसिड है, मीथेनामाइन बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है CH3NH2। तो यहां पे दो कार्बन है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक कार्बन वाला बन रहा है, तो इसका मतलब है कार्बन नंबर जो है वो कम हो रहा है, और कार्बन नंबर कम जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम कर सकते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि जो अमाइड होता है वो अमाइन में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हमें अमाइड में कन्वर्ट करना है, फिर हम उससे अमाइन बना लेंगे, राइट। तो एक कार्बन वाला कम अमाइन जो है वो हमको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से ही मिलेगा। तो चलिए करते हैं, तो जो हमारा एसिटिक एसिड है CH3C(OOH), इसको आप अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा अमोनियम एसिटेट बनेगा CH3C(OONH4). अब जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा CH3C(OONH2), और क्या होगा वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अमोनियम एसिटेट जो है ये बना है, इसको आप हीट करोगे तो ये अमाइड बन जाएगा। अब अमाइड जो है इसकी रिएक्शन जो है वो KOH एंड ब्रोमाइन से करानी है, तो ये 4:1 में लेना है, 4 KOH and 1 ब्रोमाइन, ठीक है। तो हमें अलगली आप NaOH भी ले सकते हो, मतलब कि NaOH ले सकते हो और Br2 ले सकते हो, राइट। तो रिएक्शन होती कैसे है, तो देखो सर CH3NH2 ये तो बनता है हमारा अमाइन, ठीक है। अब वो ये पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, KBr बनाएगा, 2 KBr, और ये CO है और इसका ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा K2CO3, राइट। तो ये जो हमारा रिएक्शन इधर से इधर की रिएक्शन है ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं, और यहां पे अभी 2H2 और बनेगा, ठीक। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है हेक्सेनाइट्राइल इनटू 1-aminopentane। तो हेक्सेनाइट्राइल से 1-aminopentane कैसे बनेगा, तो हेक्सेनाइट्राइल का फॉर्मूला होगा CH3 CH2 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 CH2, कितने होगा ये 1 2 3 4 5 कार्बन होगा, जो C(CCC)) है, ये हमारा हेक्सेनाइट्राइल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हेक्सेन नाइट्राइल, इससे हमें बनाना है 1-aminopentane। तो CH3 CH2 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 NH2, तो ये हमारा हो गया 1-aminopentane। अब देखो यहाँ पे कार्बन तो है 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, और यहाँ पे कार्बन है 5 1 2 3 4 एंड 5। तो एक कार्बन कम बन रहा है, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यहाँ पे हो, क्योंकि वहां पे एक कार्बन वाला कम अमाइड बनता है, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से क्या होता है कि अमाइड से अमाइड बनता है। इसका मतलब है कि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, अमाइड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको अमाइड में कन्वर्ट करेंगे और अमाइड से अमाइन बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ये हमारा है CH3 CH2 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 C(CCC)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 (CC
ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये एच यहाँ पे OH आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एच यहाँ पे OH आएगा। एक कार्बन पे दो OH ग्रुप रह नहीं सकते एक साथ, तो क्या होगा, वाटर जो है वो निकल जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 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 CH2, ये C, और ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, ये बचा ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ जाएगा और ये NH2 आ जाएगा और वाटर जो है यहाँ पे निकल जाएगा, तो प्लस H2 होगा। अब ये क्या बन गया हमारा, अमाइड बन गया। अब इसका हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, मतलब कि इसकी रिएक्शन जो है ब्रोमीन एंड KOH से करानी है, तो KOH4 लेना और ये बन लेना है। आप इसको ब्रोमीन या NOH से करा सकते हो, हमें एल्किली लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पार्ट जो है हट जाता है और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पांच कार्बन का अमाइन तो हमारा बन गया CH3 CH2 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 NH2। फिर क्या होगा, K और ये Br से 2KBr बन जाएगा, और क्या होगा, ये दो पोटेशियम बने हैं और ये CO है, तो ये K2CO3 बन जाएगा और 2H2O बन जाएगा, राइट। तो बस यहां से लेके यहां तक ये जो है ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है वो कहलाती है। यहां पे अमाइड से हम अमाइड बनाते हैं, एक कार्बन कम का अमाइन जो है यहां पे बनता है, तो ये कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहलाती है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर है मिथेनॉल से इथेनॉइक एसिड जो है वो बनाना है। तो मिथेनॉल से इथेनॉइक एसिड कैसे बनाते हैं, तो देखो जरा, मिथेनॉल मतलब CH3OH और इथेनॉइक एसिड का मतलब है CH3C(OOH). अब चूंकि रिएक्टेंट जो है वो हमारा एक कार्बन वाला है और प्रोडक्ट हमारा दो कार्बन वाला है, मतलब यहाँ पे कार्बन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कार्बन नंबर इंक्रीज जो है वो CN लगा के हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम CN जो है वो कैसे लगाते हैं, तो देखो जरा, तो साइनाइड प्रोसेस से हम जो है वो कार्बन नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मिथेनॉल है CH3OH, इसकी रिएक्शन हम SOCl2 से कराते हैं, तो हमारा CH3Cl बनेगा और क्या बनेगा, SO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा हमारा। तो CH3Cl बन गया। अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम KCN से करा देते हैं, एल्कोहल KCN से करानी है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड जो है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, और KCN निकल जाएगा। तो एक कार्बन देखो बढ़ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तो क्या होगा, CH3 हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एच यहां OH यहां कर दो, फिर क्या करो, एक बॉन्ड तोड़ो, एच यहां OH यहां। तो जब हम इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा बनता है CH3C(OOH)2 बनेगा और वाटर निकलेगा, अमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से एक कार्बन में दो OH रह नहीं सकते, इसलिए यहां पे वाटर निकला, तो ये NH2, ये C(OOH) और ये CH3, तो ये अमाइड बन जाता है। और ये, लेकिन यार हमें बनाना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका हम क्या करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड और टूटेगा, एक एच इधर आएगा, एक OH इधर आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा अमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे तीन OH है, तो एक से तो निकल गया वाटर, तो वाटर भी बनेगा, और क्या बन जाएगा, C(OOH) ये बन जाएगा। तो ये हमारा एसिटिक एसिड जो है वो ऐसे बन जाता है जब यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे जो है हमारा एसिटिक एसिड बनेगा। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है इथेनामाइन इंटू मिथेनामाइन। तो इथेनामाइन से मिथेनामाइन जो है वो हमें बनाना है। तो इथेनामाइन का मतलब है कि ये होगा CH3CH2NH2, ये हमारा इथेनामाइन है।
मिथेनामाइन मतलब कि CH3NH2, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा दो कार्बन वाला है और प्रोडक्ट जो है वो एक कार्बन का है। तो कार्बन नंबर का डिक्रीज जो है, कार्बन नंबर को हम डिक्रीज कर सकते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से, क्योंकि अमाइन बनाना है तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही यहाँ पे अप्लाई होगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अमाइड से अमाइन जो है वो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू बन जाता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अमाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हमारा इथाइल अमाइन है CH3CH2NH2, ये इथाइल अमाइन या इथेनामाइन कह सकते हो आप इसको, इसकी रिएक्शन जो है इसको HNO2 में हीट करना है, तो OHNO, ये हमारा HNO2 कहलाता है, नाइट्रस एसिड कहलाता है, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड में हीट करो तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो निकलती है। तो नाइट्रोजन गैस ऐसे निकलती है, ये OH, ये N और ये डबल बॉन्ड, तो ये ऐसा बनता है, ठीक है, ये ऐसे बन जाता है, ये नाइट्रोजन, ठीक है, और H2O और ऑक्सीजन से वाटर और बस OH इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो इथेनॉल जो है वो बन जाता है, तो बन जाएगा CH3CH2OH, इथेनॉल बन गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई, राइट, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो CH3C(OH) बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, तो OH बनेगा और यहाँ भी ये OH बनेगा। अब OH दो एक साथ रह नहीं सकते, तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, तो वाटर निकालोगे तो ये C(OH) बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन जो है वो हम अमोनिया से कराएंगे, तो ये CH3C(OO)NH4 अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, इसको हम अमोनियम एसीटेट बोलते हैं। अमोनियम एसीटेट को आप हीट करोगे तो क्या बन जाता है, ये अमाइड बन जाता है, CH3C(OO)NH2, ये बन गया अमाइड, और बस अमाइड से अमाइन हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से बनता है। तो अब इसकी रिएक्शन जो है Br2 and KOH से करानी है, ये कितने लेना है, 4 ये बन लेना है, से क्या बनेगा, CH3NH2, एक कार्बन कम का जो है वो हमारा अमाइड बनता है, ये पार्ट जो है वो निकल जाता है, CH3NH2 जुड़ गया। अब देखो जरा, दो तो KBr बनेगा, ठीक है, क्योंकि दो Br2 थे, अब पोटेशियम ऑक्सीजन और ये से बनेगा K2CO3, और अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच गया तो ये वाटर बनेगा, ठीक है, तो 2H2 बन जाएगा। तो ये हमारी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, राइट। यहाँ पे हम अमाइड से एक कार्बन कम का अमाइन जो है वो बनाते हैं। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर है इथेनिक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड, तो इथेनिक एसिड से हमें प्रोपेनोइक एसिड जो है वो बनाना है, तो ये हमारा है CH3C(OOH), ये हमारा इथेनोइक एसिड है, इससे हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो ये होगा CH3CH2C(OOH), ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया, मतलब रिएक्टेंट में दो कार्बन है और प्रोडक्ट हमारा तीन कार्बन वाला बन रहा है, तो एक कार्बन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो एल्काइल साइनाइड में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो एल्काइल साइनाइड में हम कन्वर्ट करेंगे तो एक कार्बन पड़ जाता है हमारा, ठीक है, जैसे हम रिएक्शन KCN से कराते हैं, और KCN से रिएक्शन कौन करता है, एल्काइल हैलाइड करता है, तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एल्काइल हैलाइड में बनाएं और एल्काइल हैलाइड से KCN की रिएक्शन कराएं, से साइनाइड बनेगा और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पे ये बन जाएगा, ठीक है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई।
तो इससे हम बनाते हैं एल्काइल हैलाइड। तो करते हैं CH3C OH। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक एच यहां ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहां, फिर क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहां, एक एच यहां। तो ये तो बन जाता है हमारा एल्कोहल, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। और क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो निकल जाएगा, तो वाटर जो है वो निकाल। हाइड्रोजन कितने यूज किए, फोर, तो फोर है। एल्कोहल की रिएक्शन जो है वो आप SOCl2 से करा दो, या PCl5 से करा दो, या फॉस्फोरस क्लोरीन से करा दो। क्या होगा, SOCl2 ले लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये बनेगा CH3CH2Cl बनेगा, और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा आपका SO2 और बन जाएगा HCl, ठीक है। अब ये बना गया हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KCN से। तो KCN से कराओगे तो ये CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, एक कार्बन देखो भी बढ़ गया, ये दो कार्बन था, अब ये तीन कार्बन हो गया, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ये KCl बन जाएगा। तो ये हमारा एल्कोहलिक KCN जो है वो होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस कैसा होना चाहिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, देखो ये बॉन्ड तोड़ो H, हाइड्रोलिसिस कराना तो OH लगाओ, ये बॉन्ड तोड़ो H, यहाँ पे OH लगाओ, ये बॉन्ड तोड़ो यहाँ पे H, यहाँ पे OH लगाओ। तो ये तो बन जाएगा अमोनियम। अब इस पर तीन OH लग गए, तो तीन OH तो रह नहीं सकते, एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH पॉसिबल नहीं है, तो ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा और OH बच गया, तो बस ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये है CH3, ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो प्रोपेनोइक एसिड हमारा ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो है कराना है यहाँ पे। अगर इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या होता है, अमाइड बन जाता है। इनकम्प्लीट में ऐसा होता है, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और NH2 था। फिर हमारे सेवेंथ नंबर की रिएक्शन है, यहाँ पे हमें नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइल अमाइड जो है वो बनाना है। तो नाइट्रोमीथेन मतलब कि फॉर्मूला होगा इसका CH3NO2, और डाइमिथाइल अमाइड का फॉर्मूला होगा CH3, ये NH है और एक CH3, ये डाइमिथाइल अमाइड हो गया। हम कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, ये हमारा नाइट्रोमीथेन है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन की लोन पेयर के साथ ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोमीथेन जो है वो हो गया। अब क्या करते हैं, हमें अमाइन बनाना है, तो चलते हैं सबसे पहले हम इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। कितना काम हम कर लेते हैं, तो CH3N डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर थी ऑक्सीजन के साथ, इसने ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। जब आप रिडक्शन करोगे, ठीक है, तो आपको SN HCl से रिएक्शन करानी है, राइट, या आप FeHCl से रिएक्शन करा के हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हो। तो टिन HCl की रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, आयरन HCl की रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। तो अब ये नेसेंट हाइड्रोजन करेगा क्या, देखो जरा, जैसे यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन आया तो ये तो मजबूरी वाला बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को देखा, वो कहता है कि हमें बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास थे, ठीक है। क्या हो गया, दो हाइड्रोजन मिलके ये ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां, एक H यहां,
फिर ये बॉन्ड तोड़ो, एक एच यहाँ एक एच यहाँ से क्या बन गया हमारा मिथाइल अमाइन बन गया CH3 NH2, और फिर से वाटर बन जाएगा, ये वाला भी वाटर बन जाएगा, तो H2 हमारे कितने बन गए, दो बन गए, तो 2H2 बन गए, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज किया, तो ये हमारा मिथाइल अमाइन जो है वो बन गया। अब मिथाइल अमाइन जो है वो बन गया, अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम कराते हैं CH3Cl से, तो क्या होता है CH3 ये NH एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा और क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा, तो ये हमारा डाइमिथाइल अमाइन जो है वो बन जाता है। फिर इसके बाद 8th नंबर है प्रोपेनिक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड, तो प्रोपेनिक एसिड से इथेनोइक एसिड हमें बनाना है, तो प्रोपेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CH2C(OOH), ये प्रोपेनिक एसिड हो गया। इथेनोइक एसिड होता है CH3C(OOH), तो यहाँ पे 3 कार्बन है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो है वो 2 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन कम हो गया, और 1 कार्बन कम जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, अमाइड से हम अमाइन बनाते हैं, और अमाइन जो है 1 कार्बन कम का बनेगा तो उससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं, तो ये हमारा CH3CH2C(OOH), इसकी रिएक्शन जो है वो हम अमोनिया से कराते हैं, तो ये अमोनियम एसीटेट बनता है CH3C(OONH4), ये अमोनियम एसीटेट है, ये कैसा होता है अनस्टेबल है, ठीक है, आप इसको हीट करोगे तो ये CH3CH2C(OONH2) ये अमाइड बना लेगा और क्या हो जाएगा, और वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो CH3CH2C(OONH2) ये बना है, इसको फिर से अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये बना CH3CH2C(OONH2). अब इसकी रिएक्शन जो है वो Br2 एंड QH से करानी है, ये फोड़ लेना है, ठीक है, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा अमाइन CH3CH2NH2, ठीक है, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि ये पार्ट जो है वो निकल जाता है, ठीक, और ये पार्ट इससे जुड़ जाएगा कार्बन से, तो क्या होगा यहाँ पे 2KBr बनेगा, यहाँ पे 2K2CO3 भी बनेगा, और यहाँ पे 2H2O भी बनेगा, ठीक है, इतनी चीजें जो है यहाँ पे बनती हैं। और अब ये हमारा अमाइन है, ठीक है, अब अमाइन को हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम HNO2 से कराते हैं, तो HNO2 तो ऐसा लिखा जाता है, हीट करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और ये ऑक्सीजन और ये H2 से वाटर बन जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकाल दो और वाटर बना दो, क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा CH3CH2OH। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं K2Cr2O7, ये एसिडिक मीडियम में है, तो 2 रिसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देती है CH3C(OOH)। अब होता क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वहां पे ऑक्सीजन चला जाता है, तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डाल दो तो ये OH हो जाएगा और ये भी OH हो जाएगा। अब 1 कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते हो, तो यहाँ तो 3 OH है, तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, तो ये वाटर निकाल देगा, तो क्या होगा CH3C(OOH) बन गया, तो ये तो बना CH3C(OOH), तो ये हमारा इथेनोइक एसिड जो है वो बन जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13.6 है, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखो जरा, एक रिएजेंट होता है जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या कहलाता है,
तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, मतलब बेंजीन की ये रिंग होती है और इस पे SO2Cl जो है वो लगा होता है, इसको हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से जब हमारा प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जो है वो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन इस हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। टर्शियरी अमाइन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करता, राइट। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को। अब इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट बनता कैसे है, बना कैसे है। तो देखो जरा, जब हमारा बेंजीन है इसकी रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई तो हमारा बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब ये SO3H बनेगा। अब H2SO4 को आप कैसे लिख सकते हो, तो H2SO4 हमारा ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH। तो यहां से हाइड्रोजन निकला बेंजीन से, तो यहां का हाइड्रोजन और ये OH से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। SO3H जो है वो इससे कनेक्ट हो गया, तो ये SO3H जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन जो है वो आप NaOH से कराओगे तो SO3H तो ऐसे कनेक्ट होगा, मतलब इसको आप ऐसे बना सकते हो कि ये हमारा बेंजीन है और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH, NaOH से रिएक्शन कराओगे क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। तो क्या होगा, ये हमारा OH और ये H से वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकाल दो और ये हमारा बनेगा SO3Na। अब इसकी रिएक्शन जो है हम कराते हैं PCl5 से, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और PCl5 से POCl3 बन जाता है, ये H और एक Cl से HCl बन जाएगा और क्या हो जाएगा, और बन जाएगा ये बेंजीन की रिंग है और बस इस पे SO2Cl जो है वो लग जाएगा। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है वो ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो हमारा बन गया, अब इसकी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन से रिएक्शन देख लेते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन क्या हो गया, तो हिंसबर्ग रिएजेंट हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये SO2Cl है, इसकी रिएक्शन RNH2 से कराना है, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है ना। से क्या होगा, ये H और ये Cl से HCl निकल जाएगा और क्या होगा, बाकी पार्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो ये SO2 और ये NHR, तो इसका नाम होगा हमारा एन एल्काइल, ये एल्काइल ग्रुप है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब ये एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो बना हुआ है ये एल्केली में सॉल्युबल होता है, तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये एल्केली, एल्केली आपका NaOH हो सकता है, आपका QH हो सकता है, ये क्या है, ये सॉल्युबल है। रीजन क्या है, देखो भाई यहां पे नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एल्केली तो हमारा बेस है, तो बेस और एसिड डिलीट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, तो ये हमारा सॉल्ट बना लेगा एल्केली के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक। अब जो हमारा 2 डिग्री अमाइन है, जो हमारा 2 डिग्री अमाइन है, तो ये SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, RNHR, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। रिएक्शन होगा क्या होगा, HCl निकल जाएगा और N इससे कनेक्ट हो जाएगा,
तो ये SO2 N और ये R और ये R, तो N कॉमा N डाई एल्काइल, N कॉमा N डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड। अब चूंकि यहां पे हाइड्रोजन लगा नहीं है नाइट्रोजन पे, तो ये एसिडिक नहीं होगा। अब एसिडिक नहीं है तो एल्किली में क्या सा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। एल्किली क्या होगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी, राइट। और जो हमारा 3 डिग्री अमाइन है, तो 3 डिग्री अमाइन, तो ये हमारा होता है R, N, R और R। अब चूंकि यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण ये सीएल से रिएक्ट नहीं करेगा, तो HCl ही बनेगा। HCl नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट और 3 डिग्री अमाइन क्या होगा, नो रिएक्शन। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करते हैं बाय हिंसबर्ग रिएजेंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13.7 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है कार्बन अमाइन रिएक्शन, सेकंड है डाई एजोटाइजेशन, थर्ड है हॉफमैन क्रोमाइट रिएक्शन, फोर्थ है कपलिंग रिएक्शन, फिफ्थ है अमोनोलिसिस, सिक्स्थ है एसिटाइलेशन, सेवन्थ है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा पहला है कार्बन अमाइन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बन अमाइन रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है, तो जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है, केवल और केवल प्राइमरी अमाइन, राइट। तो जो हमारा प्राइमरी अमाइन होता है, तो आर एन एच टू, इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री और क्यू एच से कराते हैं, ठीक है। ये 1:3 में हमें लेना है। क्या होता है कि आर एन सी जो है वो बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, और क्या होता है, और आपका 3 KCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है, और 3 हाइड्रोजन ये है, तो 6 हाइड्रोजन मतलब 3H2O बन जाएगा। तो ये हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है। अगर आपका प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक है तो भी रिएक्शन हो जाती है। तो प्राइमरी अमाइन होना चाहिए चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म एंड KOH से रिएक्शन होती है, मतलब इसमें हमें हीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड है, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा होता है, तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया और 3 KCl बन जाएगा और 3H2O बन जाएगा। ये फिनाइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसकी स्मेल जो है वो कैसी होती है, फाउल स्मेल होती है। तो इस फाउल स्मेल के थ्रू ही हम प्राइमरी जो अमाइन है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन अमाइन टेस्ट जो होता है उससे हम प्राइमरी अमाइन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन जो है वो कार्बन अमाइन रिएक्शन नहीं देते। फिर इसके बाद हमारी सेकेंड रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन। तो हमारी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन क्या कहलाती है, तो ये हमारी एरोमेटिक अमाइन में होती है, एलिफेटिक अमाइन में नहीं होती। तो एक चीज याद रखना, एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन, तो एनिलीन में ये रिएक्शन होती है। जब एनिलीन की रिएक्शन जो है वो NaNO2 और HCl के मिक्सचर में, तो क्या बनता है, ये HNO2 बनेगा और NaCl बनेगा, राइट। तो इस मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या होता है, तो देखो जरा, सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा N2Cl बनता है, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, मतलब कि जो हमारा अमाइन ग्रुप है, जो हमारा NH2 ग्रुप है, वो NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किससे, N2Cl ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है।
इसी को हम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन एक्चुअली में होती कैसे है, तो देखो सर, इस रिएक्शन को हम करते कैसे हैं। सबसे पहले ये हमारा HCl से रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो NH2HCl जो है वो बन जाता है। ठीक है, फिर रिएक्शन जो है वो HNO2 से कराई जाती है, तो क्या होता है, ये N नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, और ये Cl, तो बेंजीन ट्राइएज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है, तो ये N2Cl बन जाता है। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये दो H और एक H, ये और एक H, ये तो H2O बन जाएगा, कितने 2H2O बन जाएगा, एक ऑक्सीजन ये भी तो है। ठीक है, तो 2H2O बन जाएगा, तो बेंजीन ट्राइएज़ोनियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है, और ये हमारा कैसा होता है, ये स्टेबल होता है, ये रेजोनेंस के थ्रू जो है वो स्टेबल होता है। प्राइमरी अमाइन जो है, जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, वो ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, कि RNH2 जो है वो अगर आप इससे रिएक्शन कराओगे, NaNO2 और HCl के मिक्सचर से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये हमारा RN2Cl ये बन तो जाएगा, लेकिन कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये तो हमारा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो ये इजिली जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, वाटर में इजिली डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बनाएगा, ROH बनाएगा, मतलब एल्कोहल बना लेगा, और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस दे देता है। ठीक है, और क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है वो केवल और केवल किसमें होती है, वो हमारी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में होती है। इसके बाद हमारी थर्ड रिएक्शन है, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है, तो ये ऐसी रिएक्शन होती है जहां से हम अमाइड से अमाइन बनाते हैं, मतलब प्राइमरी अमाइड चाहे आपका एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, उससे हम प्राइमरी अमाइन जो है वो बनाते हैं, एक कार्बन कम का अमाइन जो है यहाँ पे बनता है। तो देखो जरा, प्राइमरी अमाइड हम लेते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी अमाइड है, ये एसिटेमाइड है, इसकी रिएक्शन जो है वो Br2 एंड QH से करानी है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा एक कार्बन कम का अमाइन बनता है, मतलब कि CH3NH2, ये दो कार्बन है यहाँ पे, तो ये CO ग्रुप जो है वो हट जाता है। ठीक है, अब 1:4 में ये रिएक्शन होनी है, राइट, तो क्या होगा, ये K है और ये Br है, तो 2KBr बन जाएगा। ठीक है, प्लस, और आपका ये CO और ये पोटेशियम और ये ऑक्सीजन से ये K2CO3 बन जाती है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2, सो 2H2O बन जाता है। जो हमारा एरोमेटिक अमाइड है, ये बेंजामाइड जो है, C(OOH)2, इसकी रिएक्शन Br2 and 4QH, ये 1:4 में होता है, कराना है, तो ये हमारा बनेगा एनिलीन। ठीक है, और क्या बनेगा, KBr, और क्या बनेगा, K2CO3, ये 2 नहीं बनेगा, एक ही बनेगा, और क्या बनेगा, H2, ये 2H2 बनेगा। ठीक, तो ये हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट क्या है, कि इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये रिएक्शन जो है वो एक कार्बन कम का प्रोडक्ट देता है, तो चेन को डिक्रीज करना है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है वो उत्तम है। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है कपलिंग रिएक्शन। तो हमारा कपलिंग रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो है वो कपल बनाता है, वो आपका एनिलीन के साथ बना सकता है, या फिर फिनॉल के साथ बना सकता है, या फिर टर्शियरी अमाइन के साथ बना सकता है। तो देखते हैं ये कपल जो है वो कैसे बनता है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो है तो ये हमारा एन
ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये हमारा बेंजीन डाइएथिलीन क्लोराइड है। जब आप इसको फिनॉल से रिएक्ट कराते हो, ये हमारा फिनॉल हो गया, ठीक है। तो चूंकि फिनॉल जो है ये हमारा कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई होगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl से क्या होगा, HCl बना लेगा और रेमेनिंग पार्ट जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा बनेगा। ये N और ये डबल बॉन्ड N हो जाएगा, ठीक है, और इससे ये फिनॉल कनेक्ट हो जाएगा। इतना पार्ट जो है ये हमारा एजो कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा कंपाउंड कहलाता है, एजो कंपाउंड कहलाता है। इसको हम एजो बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो लिखोगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, राइट, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, राइट। अब ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन था, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाएंगे, राइट, तो इसका पॉजिटिव साइन खत्म हो जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड आया। अब इसके बाद फिर से हमने बेंजीन डाइएथिलीन क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन जो है वो हम एनिलीन से करा देते हैं। तो चूंकि ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl से HCl निकल जाएगा, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये HCl निकल जाएगा, तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड N NH2, राइट। तो ये होगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, राइट। तो ये हमारा जो है वो ऑरेंज डाई होता है और ये हमारा जो है वो येलो डाई है। फिर थर्ड देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन जो है हम एन एन डाइमिथाइल एनिलीन से कराते हैं, ठीक है, एन डाइमिथाइल एनिलीन से कराते हैं। क्या करना, हीट करना है, तो यहां से हाइड्रोजन Cl निकल जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा, ये एन डबल बॉन्ड एम और ये बेंजीन और ये एन, ये CH3 और ये CH3, तो यहां पे लिखा जाएगा एन कॉमा एन डाइमिथाइल, ठीक है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा एन कॉमन डाइमिथाइल अमीनो एजो बेंजीन और यही हमारा मिथाइल ऑरेंज कहलाता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज मतलब ऐसा रिएजेंट जिसके थ्रू हम एसिड एंड बेस की टेस्टिंग जो है वो करते हैं। फिर हमारी फिफ्थ रिएक्शन है अमोनोलिसिस, तो हमारा अमोनोलिसिस जो है वो क्या कहलाता है, अमोनोलाइसिस जो है वो क्या कहलाता है, तो अमोनिया की रिएक्शन जो है वो कंपाउंड से करानी है। तो देखो जरा, जो हमारा RCl है, अमोनिया की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, RNH2 अमाइन बना और क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब RCl की रिएक्शन आप फिर कराओगे तो क्या होगा, RNHR बन जाएगा। ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। फिर RCl की रिएक्शन कराओ से हमारा ये 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, ठीक है, ये 3 डिग्री अमाइन। तो बस अमोनिया की रिएक्शन किसी कंपाउंड से कराते हैं तो उसको हम अमोनोलिसिस बोलते हैं। ये अमोनोलिसिस किसका हो गया, एल्काइल हैलाइड का। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो हमारा क्या होगा, H2O निकल जाएगा और RNH2 प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। फिर एक और एल्कोहल हम लेंगे तो ये सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, ठीक है,
और एक और एल्कोहल लेंगे तो हमारा टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। तो किसी भी केमिकल रिएजेंट से अमोनिया की रिएक्शन कर रहा है तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन बने, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारी 6 नंबर की रिएक्शन है एसिटाइलेशन। तो हमारा एसिटाइलेशन जो है वो क्या कहलाता है, तो किसी भी रिएजेंट में अगर हम सी ओ आर ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, तो देखो जरा ये हमारा एनिलीन है, इसकी रिएक्शन CH3COCl से कराते हैं तो क्या होगा, ये Cl और ये HCl निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा NHCOCH3। तो ये एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन हो गया। ठीक है, फिर R NH2 CH3 COCl की रिएक्शन कराओ से बनेगा हमारा RNHCOCH3। तो इसका नाम अगर हम देखें तो क्या होगा, तो देखो जरा इसको आप ऐसे कर लो डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड ओ एन, ये तो हमारा अमाइड होता है तो N एल्काइल और इथेन अमाइड हो जाएगा, है ना। ये डबल बॉन्ड आप ऐसे करोगे तो N फिनाइल इथेन अमाइड हो जाएगा, राइट। तो ये इसके नाम हो जाएंगे। तो CH3CO ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस कराने को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये हमारा बेंजीन है, CH3COCl से रिएक्शन कराओ, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंट में तो COCH3 एसिटोफिनोन जो है वो बन जाता है ना, और HCl निकल जाएगा। तो ये हमारी एसिटाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। फिर इसके बाद हमारी 7th नंबर की रिएक्शन है, ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या कहलाता है। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है वो एक यूनिक केमिकल रिएक्शन है, इसके थ्रू हम केवल और केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है, ना ही सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे हम एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं करते क्योंकि ये हमारी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, राइट। तो केवल और केवल प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का फॉर्मेशन जो है वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के थ्रू करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो देखो जरा, तो हमारा थैलिक एनहाइड्राइड, तो ये हमारा बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O NH, ये हमारा थैलेमाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो KOH से कराते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करानी है। क्या होगा, पोटेशियम थैलेमाइड जो है वो बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये N और ये K, तो ये पोटेशियम थैलेमाइड हो गया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो है वो C2H5I से कराओ, किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ, क्या होगा, KI बन जाएगा और C2H5 इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, ये N और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे R कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और KI जो है वो अलग हो जाएगा, तो KI अलग कर लीजिए पोटेशियम आयन। अब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ OH यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ OH यहाँ, तो ये तो हमारा बन जाएगा अमाइन। ठीक है, तो RNH2 की जगह आप C2H5NH2 कर लो, R की जगह ये C2H5 कर लो, है ना। तो ये इथाइल अमाइन बन गया और ये हमारा बन गया C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OOH, ये थैलिक एसिड बन गया। तो बस गैब्रियल थैलेमाइड के थ्रू हम जो है वो प्राइमरी अमाइन का सिंथेसिस करते हैं।
राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर, इसको शेयर कर, अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।